आज हम बनाने जा रहे हैं शुगर फ्री मखना और ड्राई फ्रूट से मोदक। जी हाँ, इसे इस गणेश चतुर्थी जरूर ट्राई कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पैन हीट करने के लिए रखा है। इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप घी। ये घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1/4 कप काजू। ये रफली चॉप किए हुए काजू है। और फिर जाएगा 1/4 कप अखरोट। इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसमें डाल रही हूँ कटे हुए 1/4 कप बादाम। इन सब चीजों को हमें भूनते हुए 4 से 5 मिनट पकने देना है। ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है। आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखनी है, मज़ेदार रेसिपीज देखनी है, तो मेरा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पेज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, अब 4 से 5 मिनट से ये हम रोस्ट कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे मैं एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। अब हम फिर से वही पैन हीट करने के लिए रखेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप मखाने। इसे हमें अच्छे से 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करना है। और जैसे ही ये रोस्ट हो जाए, हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर पे ग्राइंड कर लेंगे एक फाइन पाउडर में। देखिए, इस तरह हमारी पाउडर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं ले रही हूँ 1/2 कप अंजीर। ये अंजीर मैंने 5 से 10 मिनट भिगो के रखे थे और इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया था। इसे इस मिक्सर ग्राइंडर में डाला है। 1/2 कप खजूर भी डाल रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों का हमें अच्छे से पेस्ट करना है। अंजीर को मैंने इसलिए भिगोया था ताकि हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में इजीली पीस पाए। अगर आपके खजूर भी थोड़े कड़क हो तो उसे भी पानी में थोड़ी देर भिगो के रखिए। अब देखिए, ये पेस्ट बिल्कुल फाइन हो गई है। देखिए, अब मैं ले रही हूँ हमारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। इसमें हम डालेंगे हमारे मखाने का पाउडर और फिर डालेंगे हमारी खजूर अंजीर की पेस्ट। खजूर अंजीर की पेस्ट सख्त होने के कारण हमें इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और हाँ, मैंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग मोदक की रेसिपी मेरे चैनल पे पिछली बार डाली है। आप उस रेसिपी को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। देखिए, अब हमारा ये मिक्सचर मिक्स हो गया है। अब हम इसे डालेंगे हमारे मोल्ड्स में। इस तरह से इसे कम्प्लीटली फिल कीजिए और दबाइए और फिर इस मोल्ड को बंद कीजिए और फिर हमारे मिक्सचर को और नीचे प्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि और मिक्सचर जा सकता है तो उसे ज़रूर डालिएगा। इसे अच्छे से प्रेस कीजिए और ओपन करके दिखाती हूँ। वाव, रेडी है हमारे ये यमी से मोदक। तो बहुत ही टेस्टी और सुपर हेल्दी रेसिपी है। आप इसे बिना गिल्ट के बिल्कुल खा सकते हो। मखाने और ड्राई फ्रूट्स के यमी हेल्दी मोदक ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस गणेश चतुर्थी पे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ टेस्टी डे विथ टेस्टी स्पून्स। बाय।